साथियों नमस्कार, आपके अपने चैनल पॉजिटिव बातें में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराजा अकबर के महल में एक से बढ़कर एक कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने पलंग के पास रखते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वो गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता ना चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूँ। ये सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो उस झूठ को माफ़ कर देने में कोई हर्ज नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सब ने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँ पना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे ये सोने की बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें ज़मीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार ये चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। बीरबल की बात सुनकर राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँ पना, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बीरबल, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को ये बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर ने तुरंत उस सेवक की फांसी की सजा को रुकवाया और बीरबल को गले लगा लिया। दोस्तों, ये बात सही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भावावेश में आकर या गुस्से में आकर तुरंत कोई निर्णय न लिया जाए, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत हो जाता है।
हर काम को यदि सोच विचार कर करेंगे तो हर काम आसानी से बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।